पिछले वीडियो में बेटा टेंथ क्लास की 7.1 एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, आज हम 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्या tan theta अपॉन 1 माइनस cot theta प्लस cot theta अपॉन 1 माइनस tan theta इज इक्वल टू 1 प्लस tan theta प्लस cot theta। LHS tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। tan theta को साइन किस सिस्टम में चेंज करेंगे, साइन और cos में साइन। tan theta में क्या लिख सकते हैं बेटा, sin theta upon cos theta। 1 minus cot theta क्या लिख सकते हैं बेटा, cos theta upon sin theta plus cot theta upon cos theta upon sin theta। 1 minus tan theta को sin theta upon cos theta, क्लियर है। sin theta upon cos theta, एलसीएम क्या दिया है बेटा डिनोमिनेटर में, sin theta को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा, कोस थीटा। कोस थीटा कौन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा फ्रैक्शन किसमें है, डिवाइड में है। फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा अपॉन cos theta multiply by sin theta upon sin theta minus cos theta plus cos theta upon sin theta multiply by cos theta upon cos theta minus sin theta। देखो बेटा sin theta को sin theta से multiply किया, क्या हो गया sin square theta। denominator क्या आ गया, cos theta साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हमें इसका एलसीएम लेना है बेटा, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो साइन थीटा माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कोस थीटा प्लस का वो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, ताकि आसानी रहेगी, क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos theta into sin theta minus cos theta minus, इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मैंने इसको माइनस है, यू को इसमें से माइनस को नहीं ले लिया, एक ही बात है। cos square theta क्या हो जाएगा बेटा, ये sin theta, sin theta किसका हो जाएगा, प्लस का माइनस cos theta। अब देखो बेटा दोनों का एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर है। अब देखो बेटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, कोस साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, कोस थीटा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा, क्लियर। अब मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये क्या है बेटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। इसको क्या हो जाएगा, ए क्यूब ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी साइन थीटा कोस थीटा। बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो बेटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया अपने पास बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें बेटा आरएचएस क्या करना है, इसी टाइप के दो क्वेश्चन है। एक में तो आपसे सॉल्व करवा रहा है 17 में, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा। एक में 20 क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व करवाएगा 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। 20 क्वेश्चन देखना, डिजिट ये है, सिर्फ आरएचएस चेंज करेगा, इसकी जगह क्या लिख देगा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। करना आपको यहां तक उसमें भी है और इसमें भी। अब हमें आरएचएस को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये आ रहा है तो क्या करना है, ये आ रहा है तो क्या करना है। देखो बेटा, हमें ये लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा। तो देखो बेटा, आपके पास अगर 2 4 प्लस 5 अपॉन 6 है तो निम्नलिखित है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 6 लिख सकते हैं। इसमें भी देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ देखो बेटा, इस साइन स्क्वायर थीटा से साइन की पावर 2 है या साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस कोस स्क्वायर की पावर 2 से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा। यहां से क्या आ गया अपने पास बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहां क्या आ गया अपना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहां क्या आ गया अपना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है, मैंने इसकी बात की अभी, क्योंकि 17 क्वेश्चन ये लिखो इसको। अब मैं 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 सेम एल आरएचएस ये नहीं है, ये हमें ये लाना है। यहां तक तो आपको करना ही है, यहां तक तो आपको उसमें भी करना है, इससे नीचे बेटा इसको। अब हमें लाना क्या है, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1 sin थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। वही अलग अलग 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। मैंने दोनों चीजें, दोनों ही क्वेश्चन एक साथ पूछने जाए ताकि आपका कंफ्यूज ना हो। आपको tan थीटा 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एक तो आपकी ये क्वेश्चन है आरएचएस में, और ये क्वेश्चन 17 है, ये क्वेश्चन 20 है। आपको यहां तक तो वही आना है। अब एग्जाम में आके
क्या होता है कि दिमाग घूम जाता है कि ये आ रहा है इसमें जाएगा, आपको क्या देखना है उसके आरएचएस को देखना है कि इसका आरएचएस क्या है, हमें सोल्व क्या करना है, हमें आंसर क्या है उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। अगर ये दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे, वन दिया रखेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो इंसानों को अलग, क्लियर है, लिख लो। यहाँ तक तो दोनों में ही करना है, इसके बाद 20 का पार्ट ये है ना, 17 का मैंने लिखवा दिया। साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक। देखो बेटा एल एच एस इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। साइन और कोस के स्टेप पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे ना, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया साइन थीटा टेन थीटा, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया बेटा कोस थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा कोट थीटा। साइन और कोस में चेंज कर दो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा, कोस थीटा कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इससे डिनोमिनेटर क्या है इसका 1 है तो साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया बेटा कोस क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं इसके नजदीक और इन दोनों को नजदीक नजदीक क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या जाएगा बेटा कोस थीटा को मनाते हैं यहाँ से क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी ऐसे लिखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा कोस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ देखो बेटा क्या को मना है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस क्यूब थीटा, क्या को मना जाएगा कोस थीटा, क्या बचेगा बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ दोनों में क्या को मना जाएगा साइन थीटा, क्या बचा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन
थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन। इसकी जगह क्या लिख देंगे, वन। क्या आ गया अपने पास बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कोसेक थीटा। वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। लिख लो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। साइन एलएचएस क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा कोस क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। क्या एलसीएम आएगा बेटा, कोस थीटा। ये स्टेप और लिखो, चलो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा, कोस थीटा। कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस फोर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा को मैं ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस फोर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या कॉमन आ गया दोनों में, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। यहां से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, वन होता है। तो क्या आ गया हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो क्या आ गया, वन अपॉन कोस थीटा। वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। लिख लो बेटा, 20 क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया, ठीक है। आज के लिए नाइस, काफी है, थैंक यू।